चुनावी वर्ष में सरकार ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है, उसमें लोगों को क्या मिला है और क्या उम्मीदें थी? हमारे साथ कुछ लोग सीए लोग हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि यह बजट लोगों के लिए कैसा रहा। क्या नाम आपका? अखिलेश्वर दुबे। जो ये बजट प्रस्तुत किया गया, इसमें क्या मतलब लोगों के लिए किस तरह से फायदेमंद है, क्या है? शेयर बाजार भी डाउन ही हुआ है तो। बेसिकली ये बजट अंतरिम बजट था, तो इसमें बहुत कुछ होना नहीं था। टैक्स स्लैब चेंज नहीं किया गया है और फाइनेंस मिनिस्टर का जो बजट भाषण था वो बजट भाषण कम था, वो जो प्राइम मिनिस्टर अपने भाषण में देते रहते हैं चुनावी भाषण, पूरा पूरा वही था। उसमें 10 सालों में इन्होंने क्या किया, वो बजट हम इस साल का कर रहे हैं फाइनेंस ईयर का, उन्होंने 10 साल में क्या किया और आगे 2047 तक क्या करेंगे, बजट में यही दिया हुआ था। और बाकी कुछ उन्होंने दिया है जो जैसे इनकम टैक्स में जिनका डिमांड छोटा छोटा पड़ा हुआ है, पुराना जो रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है, 2009-10 तक का 25,000 का डिमांड जो है वो छोड़ा है गवर्नमेंट ने, और 2009-10 से आगे और 13-14 तक का अगर 10,000 का डिमांड है तो वो छोड़ा है। फिर न्यू हाउस की मिडिल क्लास के लिए न्यू हाउसिंग स्कीम का कुछ लॉन्च करेंगे, और 300 यूनिट बिजली सोलर वालों के लिए वो देंगे, इस तरीके के हैं। बाकी मैडम ने कहा है कि 2000 वो कंपैरिजन पुराने गवर्नमेंट से कर रहे थे। अच्छा, अच्छा। तो उन्होंने कहा 2004 से 2014 के बीच में जो FDI आया था, 2014 से 2024 के बीच में उसका डबल FDI आया से पैसा आया है। अब मैं उसके जवाब में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस ये है कि 2003-2004 का जो बजट का एक्सपेंडिचर था वो था आपका 4,38,795 करोड़। 2013 और 2014 में, उसके 10 साल बाद जो 13-14 का बजट था, एक्सपेंडिचर टोटल वो 16,65,297 करोड़ था, और 2022-23 में है 41,47,87,232 करोड़, ढाई गुना लगभग। तो ये 4-4 गुना वो हो रहा है, और वो उस बीच में अगर ये डबल ले भी आए तो इन्फ्लेशन को हटाते हुए क्या उसका इम्पैक्ट है, कौन सा इन्होंने वो कर लिया, यही। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार दुबे। बजट पे क्या मतलब नया चीज़ आपको क्या अंतरिम बजट में दिख रहा है कुछ? देखिए बजट में ऐसा कुछ बड़ा बदलाव नहीं कर सकते थे क्योंकि ये अंतरिम बजट था, अभी इनको फाइनल बजट तो चुनाव के बाद लेके आना है, लेकिन इसमें उसके बाद भी कुछ ऐसी चीज़ों को उन्होंने लेके आया कि जो उम्मीदें नहीं थी। हाँ, पर्सनल टैक्सेशन पे कोई जो स्लैब वगैरह था, कोई रेट, उसमें कोई बदलाव नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी इनका जो अगर पिछले 10 सालों में देखिए तो 3 गुना के करीब इनका डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो चुका है, तो उनको उस पर नहीं करना था, दायरे को बढ़ाना था, वो ही कर रहे हैं। और इसके साथ ही पर्सनल टैक्सेशन में जो प्रिजम्प्टिव एक ITR होता है जो सबमिट किया जाता है प्रिजम्प्टिव बेसिस पे, उसमें इन्होंने चेंजेस किया हुआ है, 2 करोड़ से बढ़ाकर उसको 3 करोड़ कर दिया है, जहाँ पे प्रिजम्प्टिव बेसिस पे व्यापारी अपना कर सकते थे, और प्रोफेशनल्स के लिए 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया है। तो ओवरऑल बजट में मतलब कुछ नहीं, ऐसा कोई ख़राब चीज़ नहीं है, चीज़ें सब पॉजिटिव ही थी। मतलब पॉजिटिव क्या, मतलब कुछ ऐसा एडवर्स मार्केट क्यों डाउन था ये तो अलग चीज़ है, क्योंकि मार्केट तो अप डाउन लगा रहता है। आज तो मार्केट में चूँकि एक्सपायरी थी तो इसलिए उस पर आप नहीं कुछ कह सकते, कल मार्केट निश्चित ही वो करेगा। और बैंकों के लिए इस पूरे बजट से बहुत फ़ायदा होना है क्योंकि जो हाउस होल्ड के लिए लोन की लेके आए हैं और बाकी ये ट्रांजेक्शन्स वगैरह के लिए, तो बैंकों के लिए आने वाले समय बहुत फ़ायदा होगा। धन्यवाद। क्या नाम है? शक्ति शरण श्रीवास्तव। कोई नई चीज़ बजट में कोई दिख रही है कि मतलब देखिए अंतरिम बजट है, ये चुनावी वर्ष का बजट है, तो मध्यम वर्गीय खासकर वेतन भोगियों को इस बजट से बहुत उम्मीद थी जिसपे सरकार साइलेंट रहा, तो हमें लगता है ये बजट को पॉजिटिव भी नहीं कह सकते और नेगेटिव भी नहीं कह सकते, एक मिला जुला बजट है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। चुनाव के बाद भी सरकार ने कुछ कोई ऐसा कुछ खास नहीं किया जिसकी वजह से कुछ हमको आम जनता के लिए कुछ खास फायदा हो सके। जी, मेरा विकास आनंद नाम है, सेक्रेटरी गोरखपुर ब्रांच। बजट जितना उम्मीद था मतलब अच्छा आया है, कोई इसमें नेगेटिव चीज़ नहीं आई है, और 2-3 चीज़ें जो मध्यम वर्ग के लिए और सभी के लिए, जो 25,000 रुपये तक का छूट आया है, मतलब जो डिमांड है उसकी, प्लस जो 10,000 रुपये का छूट आया, दोनों ही सभी वर्ग के लिए मतलब फायदेमंद है। और जो न्यू हाउसिंग स्कीम आई है, यह भी हमारे देश के वासियों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, जो कि हमको और देश को सभी को और सारे जो भी हमारे
जनता है उनके लिए फायदेमंद है। रोजगार सीजन पे कुछ रोजगार पे भी सरकार ने बजट और बढ़ाया है, प्लस महिला सशक्तिकरण पे बढ़ाया। फिर मोदी जी ने बताया कि जो लखपति लेडीज को लखपति बनाने का था वह 2 करोड़ से 3 करोड़ का टारगेट है, प्लस महिला सशक्तिकरण पे बढ़ाया। फिर मोदी जी ने बताया कि जो लखपति लेडीज को लखपति बनाने का था वह 2 करोड़ से 3 करोड़ का टारगेट हो चुका है। और 2-3 चीज़ और बढ़ाई गई जो कि बजट में बहुत ही अच्छा हुआ है, जो हमारे सोसाइटी के लिए और हमारे समाज के लिए सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। क्या नाम है? संजीव तिवारी। क्या महंगाई पे कुछ नियंत्रण होगा इस अंतरिम बजट से? नहीं, ऐसा कोई नियंत्रण नहीं दिखाई दे रहा। मतलब वैसे ही महंगाई ऑलरेडी नियंत्रित है, 6 से 7% की महंगाई को महंगाई नहीं माना जाता है। ये आवश्यक है आपका विकास दर बना रहे, जितना तो विकास दर रहेगा उतना महंगाई रहेगी। तो विकास दर के लिए लिहाज से बजट ठीक है? बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है सर? प्रसून गोयल। कोई नया बजट में कोई नया चीज़? बजट में कोई ऐसी नई चीज़ नहीं दी है, बस एक चीज़ है जो पुरानी डिमांड्स खड़ी थी लोगों की, जो बहुत काफ़ी पुरानी थी, 2009-10 तक के लिए 25,000 की डिमांड इन्होंने ख़त्म की है, और 10-11 से 13-14 तक 10,000 तक की जितनी डिमांड है वो ख़त्म की है। बहुत से लोगों के पास पुराने रिकॉर्ड्स नहीं है, उनको पता नहीं है डिमांड असल में है भी कि नहीं, तो एक बहुत वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट का। इससे लोगों को भी राहत मिलेगी और गवर्नमेंट की भी जो एक छवि है उसमें सुधार होगा। लेकिन इस पर तुम ये क्यों नहीं बोल रहे हो? आप बोल रहे हैं क्या क्या चीज़ है? नहीं, वो बोल रहे हैं, तुम उन्हीं से सुन लीजिए कि जो लोग ऑलरेडी जमा कर चुके हैं या जिनके टीडीएस से एडजस्ट हो चुका है, उनका नुकसान है। सरकार को इस पर ये सोचना चाहिए कि जिससे आ गया या जिसका टीडीएस एडजस्ट हो गया उसको रिफंड करना चाहिए। मैडम, क्या नाम है? अर्चना त्रिपाठी। क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के लिए, क्या है इस बजट में? महिलाओं के लिए कुछ खास तो नहीं है, लेकिन अगर अपेक्षा की जाए आम जनता के लिए, तो हाउसिंग लोन पे जो इंटरेस्ट है उसकी लिमिट बढ़ाई जा सकती थी। उसके अलावा NRI से जब हम लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके लिए TDS के रूल्स थोड़े सुगम बनाए जा सकते थे, और अच्छा किया जा सकता है इसको, बाकी तो ठीक ही है। महिलाओं के लिए कुछ विशेष? महिलाओं के लिए कुछ विशेष तो नहीं है। वो लखपति जो महिलाएं थी उनको 3 करोड़ टारगेट, लेकिन वो बहुत प्रोग्रेसिव नहीं है वो। देखिए, आप लोगों का कहना है कि अंतरिम बजट था, चुनावी साल है, सरकार बहुत कुछ कर भी नहीं सकती थी। अब जुलाई में यदि आम बजट पेश होगा तो उसमें सरकार कुछ करेगी। कैमरा मैन अर्शद खान के साथ डॉक्टर संत कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।